सब खो दिया है, आरक्षण सिर्फ नाम का है, प्राइवेटाइज हो गई यूनिवर्सिटीज, बिक गई एजुकेशन, संस्थाएं सरकारी सब बिक गई, अस्पताल बिक गए, रेलवे बिक गया, तो बचा क्या? सिर्फ नाम का, कि जिस दिन रितु सिंह पायल तड़वी बनेगी, रोहित वेमुला बनेंगे, तो आपको मौका मिल जाएगा अपनी ओछी और गंदी राजनीति करने का, जंतर मंतर पे मोमबत्ती जलाने का। कांशीराम जी ने भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि कास्ट हैज कम फ्रॉम नोवेयर, उसका अपना एग्जिस्टेंस है, वो लाया गया है, वो बहुत सोची समझी साजिश है, कुछ ऐसे लोगों ने उस चीज को लाया गया है। ये जो हायरार्की की आपने अपनी इंट्रोडक्शन में बात करी ना, दे वांटेड टू मेंटेन दैट हायरार्की अपने सुख के लिए, क्योंकि जो उस टाइम के शासक थे या जो उस टाइम के चालाक लोग थे ना, जिस टाइम पे ये सारी जातिवादी या ये सारी चीजों को, मानसिकता को बढ़ावा दिया उन लोगों ने, उन लोगों को समझ में आ गया था कि राज करने में क्या मजा है और दूसरे का शोषण करने में क्या लुत्फ आता है और कितना अच्छा लगता है जब डिवाइड एंड रूल करके आप एक हो जाओ और दूसरे को से सारा गंदा काम, सारा मैला काम उनको पढ़ने नहीं दो, उनको एक क्लास इस तरीके की बना दो कि जिनसे सब कुछ छीन लो, उसका एक अलग ही मजा है। तो ये वो एक स्ट्रक्चर रहा है सोसाइटी का जो बहुत देर से चलता है। देखिए, सत्ता को मेंटेन करने के लिए ऑफकोर्स ये चीज थी कि जो रिसोर्सेज, जो चीजें हमारे पास है वो हमारे पास रहे, हमारी, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये दलित आदिवासी पढ़ लिख गए, इनके पास अधिकार आ गए, ये समझ गए, या महिलाएं जागरूक हो गई, पढ़ लिख गई, तो हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी ना। जो एक दुकान चल रही थी, क्योंकि कांशीराम जी का आप अगर स्टेटमेंट याद करो तो मुझे बड़ी सारी चीजें याद आती है कि बहुत अच्छा कहा था कि ब्राह्मणों का, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लेकिन मैं उनका भाषण सुन रही थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी कि जैसे नाई का बाल काटने का एक धंधा है ना, वो उसका धंधा है ना, और डॉक्टर का धंधा हो गया दवाई देना, इसी तरीके से ब्राह्मण का भी धंधा है पूजा पाठ करना, ये करना, आपकी जेब काटना, तो वो एक धंधा खत्म हो जाएगा ना अगर आप जागरूक हो गए। तो उस चीज को मेंटेन रखने के लिए एक हायरार्की को बनाए रखा कि वो अगर एक हायरार्की बनी रहे समाज में, आपके हक में छीनती रहूं, आपको मूर्ख बना रखूं, आपके अंदर से क्षमता सवाल करने की कैसे पैदा होगी जब आप पढ़े लिखे ही नहीं होंगे। तो आप अगर, आप देखो, आपको ये चीज सोचने की जरूरत है आज के भी युवा को, जो आज समानता की बात भी कर रहे हैं हम यहाँ पे आके, आपसी सिनर्जी की बात कर रहे हैं कि तालमेल बढ़ना चाहिए समानता की, इट इज नॉट समथिंग की नई कोई चीज है, अरे सोचो इस चीज पे। आज भी हम बाबा साहिब अंबेडकर कब पढ़ लिख गए, कब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, और इतने साल हो गए, स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट समानता। इट मींस कि हमने अपना फर्ज ही नहीं निभाया। खासकर बाबा साहिब ने भी कहा था ना, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया समाज के, तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, और वो बहुत सही कहा था, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही ना जो समाज के, वो अपना फर्ज भूल गए, उनको समझ में ही नहीं आया कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। उन्होंने कहा कि हमारे, मैं और हमारे दो, बस हम दो चार लोग हैं परिवार के, वो लोग खाएं, बाढ़ में जाए समाज, अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता, वो लोग इस फिलॉसफी पे चले। इमेजिन द टाइम अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भी सेम किया होता, बट ही डिडंट डू, बिकॉज ही थॉट आराम से एक बढ़िया विलासिता की जिंदगी जी सकते थे, बहुत बड़े वकील थे, रिकॉग्नाइज एस्टैब्लिश्ड पर्सनालिटी थे, वकील के साथ साथ इतने बड़े लीडर थे, ही कुड हैव इजीली ऑप्ट फॉर ए गुड लाइफ, बाहर जाते अगर वो काम करते तो शायद आज उनकी वाइफ भी जीवित होते और उनके वंश में कोई तो कोई होता जो जीवित होता, बट ही डिडंट चूज दैट, राइट, ही चोज हिज समाज अबव ऑल, ही चोज हिज नेशन कंट्री अबव ऑल। तो अगर उन्होंने ये किया तो धिक्कार है हम जैसे लोगों पे, हम जैसे समाज पे जिन्होंने अपना फर्ज, अपना कर्तव्य भूल गए, जो आज हम इतने सालों के बाद समानता की बात कर रहे हैं, समानता दिवस जो उन्होंने मनाया था आज हम बात कर रहे हैं, बट स्टिल आई बिलीव कि कुछ भी अभी बहुत ऐसा चीज नहीं है कि आप संभाल नहीं सकते। ये बात मानने की है कि सब कुछ आपके हाथों से जा चुका है। आप, मैं अभी भी, मैं आपके सवाल से पहले, प्लीज मेरी बात सुनिए आप, मैं आज भी ये बहुजन समाज को ये चीज कहना चाहती हूँ कि कुछ खोने के लिए है आपके पास, कुछ खोने के लिए, किस चीज से डरना, सब खो दिया है। आरक्षण सिर्फ नाम का है, प्राइवेटाइज हो गई यूनिवर्सिटीज, बिक गई एजुकेशन, संस्थाएं सरकारी सब बिक गई, अस्पताल बिक गए, रेलवे बिक गया, तो बचा क्या? सिर्फ नाम का। आप सोचिए, यही दूसरा वर्ग जो मात्र 3% है, SC ST OBC माइनॉरिटीज मिला के 92.5%, उसके बीच में भी अगर हम ब्राह्मणों की बात करें, मनुवादी सिस्टम की बात करें, दे आर ओनली 3%, 3.5 के आसपास, राइट। सो दिस पॉपुलेशन इज सो क्लेवर, सो I will not say smart, but clever. Because they know कि सांप दाम दंड भेद की राजनीति किसे कहते हैं, कहाँ पे कौन सा दाव पेच खेलना है आपके साथ। तो आपके सारी चीजों को लूट कर
उनको ये याद रहा कि 10% आरक्षण बिना मांगे कैसे देना है। आपके आरक्षण को, आपके एससी एसटी एक्ट को डिल्यूट करने के लिए 2018 में हमने थप्पड़ मारा था, बहुत अच्छा, उसकी गूंज अभी तक गूंजी। ऐसा नहीं है हम नहीं जागते हैं, ऐसा नहीं है हमारे बीच में सिनर्जी नहीं है, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग हमारे समाज के होते हुए, इसीलिए तो बाबा साहब ने कहा था कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इज इम्पोर्टेंट, दिया मैंने, बट हमें, मेरे को मेरे समाज के 50-60 लोग ऐसे चाहिए जो डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर्स बन जाए, पढ़े लिखे लोग, क्योंकि वही समाज का असली सुधार करेंगे। बट आई थिंक वी हैव फॉरगॉटन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट हमें जो जागरूक होना है, वापस उस चीज़ को रियलाइज करना है। बट पॉलिटिकल 131 एमएलए एमपी जो आज बैठे हैं, आप मुझे बता सकते हो कि वो अपना फर्ज निभा रहे हैं? कोई मुझे बता सकता है कि वो क्या कर रहे हैं? शेमलेस पीपल आर डिफेंडिंग द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ डिफेंडिंग द राइट ऑफ देयर कम्युनिटी, इंस्टेड ऑफ डिफेंडिंग द रिजर्वेशन थिंग और रोस्टर पॉइंट, रोस्टर जो हक मारी हुई, द बैकलॉग सिस्टम जो आपका हक मारा जा रहा है, बैकलॉग 13 पॉइंट रोस्टर, ये सारी चीज़ों को डिफेंड करने के लिए अपने समाज के अधिकारों को, जो आपके अंदर पोटेंशियल होते हुए ये मनुवादी सिस्टम आपको यूनिवर्सिटीज के अंदर एनएफएस कर देता है, नॉट फाउंड सूटेबल, उस चीज़ को डिफेंड करने के बजाय ये गवर्नमेंट के गलत पॉलिसीज को डिफेंड करते हैं। आपके 131 MLA MPs जो बैठे हैं आपके, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आपको ऐसा ही लगता है कि जब हम पावर में पहुंच जाते हैं तो एक नया ऑपरेसिव क्लास बन जाते हैं, वो भी ऑपरेसिव क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है? ऐसा लगता नहीं, ऐसा ही है। ऑफ कोर्स यही तो मैंने आपको वही चीज बताई कि बाबा साहब ने भी ये चीज कही थी कि वो पार्टी के पप्पू बन जाएंगे, उसी पार्टी का अंदर बैठेंगे और उसी के गुण गाएंगे। नाउ द लीडर्स, दीस 131 लीडर्स हु आर इन पावर, दे आर just puppets, nothing else. You cannot expect any single thing, that if something is happening with you, जोलोर की घटना हुई, अगर आपका पानी पिया या आपके साथ रेप हो रहा है, आपका गला कट रहा है, मूछ रखने पे आपको मारा जा रहा है, अभी हिसार में एक दलित लड़के को मार दिया, उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया और उन्हीं लोगों को मारा, तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते these people will come out from their cocoons and they will talk about you. They'll talk, I mean like for justice even, they'll not stand with you. They are such kind of a, I think, a pathetic people, जिनके सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी है, जो सरेंडर कर चुके हैं, मानसिक गुलाम जो है सिस्टम की वजह से भी ऐसा है, बट आपकी अपनी मानसिक गुलामी और आपके अपने जो पर्सनल स्वार्थ हैं वो उसकी वजह से भी है, बिकॉज यू लिव फॉर योर ओन बेनिफिट्स, यू फॉरगेट द समाज, आप समाज को भूल जाते हैं। आपको समाज का कोई नहीं लेना देना है, आपको कोई नहीं पड़ी है समाज के कि समाज क्या कर रहा है वहां पे, बट आपके जो अपने मियर बेनिफिट्स हैं आप उसको भी लेकर चलते हो, और कहीं ना कहीं आप पार्टी की आइडियोलॉजी में इतने अंधे हो जाते हैं कि आप जो रिजर्वेशन लेके, जो वहां पे समाज की एक रिप्रेजेंटेशन लेकर गए हैं, यू कम्प्लीटली फॉरगेट दैट फैक्ट कि आपकी खुद की औकात ही नहीं है, आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है वहां बैठने का, आप वहां नहीं बैठ सकते। आप जिस रिजर्वेशन जो बाबा साहिब ने आपको दिया है, जिस चीज की वजह से आप वहां पे बैठे हैं, आपको उस चीज को पे बैक करना है, देन योर रियल पोटेंशियल विल बी रिकॉग्नाइज्ड, अदरवाइज यू विल ओनली बी कॉल्ड एज पप्पू और पप्पेट ऑफ द पार्टी। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। रही बात कि पार्टीज में सबसे ज्यादा जो स्वर्ण, जिस तरह कांग्रेस की बात करो, लेफ्ट की बात करो, जो लीडरशिप है वो स्वर्ण समाज के हाथों में, दैट्स इज फैक्ट, तो आपको कमी है, आप देश के शासक हैं, आप अपनी पार्टी नहीं खड़ी कर सकते, आप अपना नेतृत्व नहीं पैदा कर सकते, आप अपनी लीडरशिप, नो, वो बोल देंगे तो हम उनके हिसाब से चलेंगे। आर वी, हम इतने मूर्ख हैं कि हमें हमेशा अपने आप को जिस नजरिए से वो देखते हैं उस नजरिए से अपने आप को देखना है। हम अपनी बुद्धि में विकास कब होगा, हम अपने आप को अपने तरीके से कब चलाएंगे? हमने आज दिन तक वही तो किया है, उन्होंने कहा जी ये भगवान है इसको मान लो, ये पखंड है इसको मान लो, महिलाएं नहीं पढ़ेंगी तो हमने अपनी महिलाओं को घर में छोड़ दिया, उन्होंने कहा जी श्राद्ध बनाने, हमने श्राद्ध बना दिया, उन्होंने कहा जी पंडित ही शादी करेगा तो कर लिया। हमारा अपना क्या है, हमारे अपने थॉट, अपनी रैशनल अंडरस्टैंडिंग जो है, क्रिटिकल माइंडसेट, वो कहाँ है? भगवान बुद्ध ने क्या कहा था कि आपका अपना क्रिटिकल माइंडसेट होना चाहिए, फ्री विल है, नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग एज इट इज, क्वेश्चन करो, आर्ग्यू करो, तो सवाल कीजिए, सवाल ही सब कुछ, सारा समाधान तो सवाल का ही है। अच्छा आप मुझे बताइए, आज आप पत्रकार हैं, आज आप इंडिपेंडेंट प्रेस हैं, क्यों चला रहे हैं आप इंडिपेंडेंट प्रेस? और मैं अपने फ्रीडम से क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मेरे अंदर बुद्धि का ज्ञान गया, मेरे अंदर किताबों का, बुद्धि में विकास हुआ, आपके अंदर भी वो हुआ, तो हम सवाल कर रहे हैं, इसलिए हम खटक रहे हैं। ऐसे ही सारा बहुजन समाज सवाल करने लगे, अगर वो 131 एमएलए एमपी जो बैठे हैं वो सवाल करने लगे सत्ता में, पूछ ले मोदी जी से आरक्षण क्यों दिया 10%, क्या जरूरत थी? आपने जो 3,000 साल आरक्षण दिया है ऑलरेडी, इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन जो है वो आपकी अपनी नाकामी है।
सीधी सी बात है। तो फिर उन्हें आपने डिप्राइव कैसे किया जाए, रोजगार पैदा किया जाए, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। आप अदानी को दूसरा नंबर नंबर का अमीर इंसान बना देंगे इस देश में, और आप बात करते हैं कि आप इकोनॉमिक मतलब सवर्णों समाज को जिन्होंने 3000 साल बैठ के आराम से रिजर्वेशन कराया, आप 10% रिजर्वेशन उनको और देते हैं। इसमें तो शर्म आनी चाहिए दलित बहुजन समाज के लीडर्स को कि आपकी हकमारी हो रही है। और आप अगर आपको एम्प्लॉयमेंट पे काम करना है, गरीबों का अपलिफ्टमेंट करना है, तो जनरेट एम्प्लॉयमेंट। आप बजट पे काम कीजिए, आप एजुकेशन पे बजट दीजिए, आप इस तरीके के रोजगार लेके आइए कि हर गरीब के घर पे आपको फ्री राशन बांटने की जरूरत ना पड़े, हर एक के पास कारोबार हो, हर एक के पास रोजगार हो। कोई यहाँ पे जो कोरोना काल के चलते हुए जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ा है, लिटरेसी का रेट बढ़ा है, ड्रॉप आउट रेट बढ़ा है, भुखमरी के कदार पे जो देश एक उस पर आ चुका है, हाशिए पे आ चुका है, तो वो नहीं होगा अगर आप इन चीजों पे काम करेंगे। यू डोंट हैव टू डू इट, यू जस्ट नीड टू डिवाइड एंड रूल। दिस इज व्हाट योर टोटल पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट। धर्म की गंदी राजनीति, ओछी राजनीति इज व्हाट यू आर डूइंग, एंड आर नेताज आर फॉलिंग प्रे टू दैट। कि अब आपके साथ जो छुआछूत है ना, जो अनटचेबिलिटी है, वो आपको ऐसे नहीं कहेंगे देख मुझे छूना मत या मैं ऐसा खाना नहीं खाऊंगी, बिकॉज देर आर लॉज। तो उनको इतना पता है कि सिस्टम है, SC ST एक्ट है, लॉज है, तो आपको गंदे शब्द अगर बोलेंगे, आपके साथ इस तरीके से करेंगे, तो यू विल बी पनिश्ड। बट द पेडागोजी ऑफ दिस टोटल डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी, ये इस तरीके का जो है वो चेंज हो चुकी है। आज जो मेथड है ना, जो परफॉर्मेंस है, जो पेडागोजी है, वो बदल चुकी है। वो आपको सामने से कुछ नहीं करेंगे, वो आपको पीछे से काटेंगे। जो एग्जाम्पल आपके सामने खड़ी है डॉक्टर रितु सिंह, जो डॉक्टर रितु सिंह के साथ हुआ, आज शायद आपको 2 साल पहले की घटना पता होगी जो मेरे साथ हुआ था दिल्ली विश्वविद्यालय में, जो मेरे पे एक आरोप लगाया गया था कि आई एम नॉट ए गुड टीचर। मैं क्लास में दलित नॉन दलित की बात करती हूँ, मैं क्लास पर टॉपिक पे नहीं रहती हूँ। ये एक एनोनिमस चिट्ठी इस दौलतराम कॉलेज की मनुवादी प्रिंसिपल ने मेरे अगेंस्ट झूठी चिट्ठी बनाई, जिसके ऊपर ना किसी बच्चे के साइन थे, ना किसी बच्चे का नाम था। उस चिट्ठी को मेरे अगेंस्ट यूज किया, हाई कोर्ट में यूज किया, पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर द वेलफेयर ऑफ SC ST में यूज किया, SC कमीशन में इस्तेमाल किया। जब सवाल आया कमेटी से, कमीशन से, कि आपने एक चिट्ठी के आधार पर किसी टीचर को कैसे निकाल दिया, किसी दलित समाज की होनहार शिक्षिका को जिसने PhD की है, जो नेट क्वालिफाइड है, जो मास्टर्स फर्स्ट ग्रेड में है, उसको कैसे निकाल दिया आपने एक एनोनिमस चिट्ठी के आधार पर, तो वो चलाकी से 2 पेज और लगा देती है कमीशन के अंदर। देखिए, दिस इज द न्यू फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आपको कैसे काटा जाएगा, कि कैसे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जाएगा। तो वो जो 2 पेज लगाती हैं, उन 2 पेज के अंदर क्या साजिश होती है, 35 बच्चों के फर्जी नाम लगा देती हैं मेरे अगेंस्ट। ये मैं लाइव लिव्ड एग्जांपल हूँ। उन 35 बच्चों को प्रूफ करने के लिए कि ये फेक हैं, मैं कोर्ट जाती हूँ, और मैंने कोर्ट में, मैंने पहले तो FIR करवाती हूँ SC ST के अंदर। उस बहुत मुश्किलों के बाद 7 घंटे DCP के पास बैठने के बाद FIR होती है। तो FIR जब हो जाती है तो SC ST के अंदर इन्वेस्टिगेशन होती है। पहला IO जो मुझे दिया, वो दिया अप्रकाश शर्मा जी। अच्छा। उन्होंने 2 महीने तक टाइम काटा, कुछ किया नहीं, कहा केस में मेरिट नहीं है। दूसरा IO जो दिया, दलित को दलित के अगेंस्ट सामने खड़ा कर दिया। IO वो दे दिया अपने समाज का। अब वो IO साहब डर रहे हैं, ऊपर से बहुत प्रेशर है, अरेस्ट नहीं करूंगा। मैंने पूछा सर क्यों नहीं करोगे, ऊपर से प्रेशर है कि ये पैन। मैंने कहा सर पूछे तो सही, ये 35 बच्चे कहाँ से हैं? हाँ। किसने साइन किए ये 35 बच्चे? पूरे कॉलेज से रिकॉर्ड आ जाता है कि पूरे कॉलेज के रिकॉर्ड में ये 35 बच्चे नहीं है। अच्छा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चल गया। आज ये स्थिति है, 4 दिन पहले 17 तारीख को उस एक्यूज्ड दौलतराम कॉलेज के प्रिंसिपल के अगेंस्ट चार्जशीट जमा हो चुकी है। चार्जशीट जमा हो चुकी है और बहुत सारी SC ST एक्ट की धाराएं लगी है, लेकिन IO साहब उसे अरेस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जाति एक तो ऊंची, दूसरा ऊपर से प्रेशर है। भैया ये कौन सा ऊपर से प्रेशर है हमें भी बता दो। जहां डॉक्टर रतन लाल को एक लाइन लिखने पे अरेस्ट कर देते हैं, जहां ये बहन पीछे खड़ी है निर्देश सिंह, एक बात बोलने पे आप इन पे FIR कर देते हैं, जहां हमने प्रूव करके दे दिया आपको, अब इससे ज्यादा और क्या करे। अब मेरी आपसे पत्रकार होने के नाते, मीडिया होने के नाते, बहुजन समाज की बेटी होने के नाते, अपने समाज से एक विनती है हाथ जोड़कर। मैंने ऐसा कोई बड़ा समाज का लीडर नहीं है जिसको टेक्स्ट नहीं किया, मैसेज नहीं किया। आप प्लीज़ उनका इंटरव्यू कीजिएगा कि डॉक्टर रितु ने 17 तारीख को 4 दिन पहले आपको इन्फॉर्म किया। उन नेताओं को मैंने मैसेज किया कि सर एक अकेली लड़की ने अपने दम पे
ये कर दिखाया, चार्जशीट जमा करवा दी और SC ST एक्ट के अंदर FIR दर्ज करवा के ये हो गया। अब आप इतना करें कि एक प्रोटेस्ट करें, इस प्रिंसिपल को इमीडिएट सस्पेंड करवाएं, ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। और जो मुझे बहुत ही दुख हो रहा है ये बोलने में कि आप इंतजार करते हैं कि जिस दिन रितु सिंह पायल तड़वी बनेगी, रोहित वेमुला बनेंगे, तो आपको मौका मिल जाएगा अपनी ओछी और गंदी राजनीति करने का, जंतर मंतर पे मोमबत्ती जलाने का, कैंडल मार्च करने का, प्रोटेस्ट करने का। आप ये इंतजार कर रहे हैं और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सिर्फ एक इंसान का, एडवोकेट महमूद प्राचा। ऑफकोर्स आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक एडवोकेट भानु प्रताप जी जो समय पर मेरे साथ हमेशा खड़े रहे, बट मेजरली जो मेरे समाज के एडवोकेट महमूद प्राचा, बहुजन समाज के एडवोकेट, जिन्होंने इतना मेरा साथ दिया और टाइम बाय टाइम आके मेरी लड़ाई लड़ी, हर स्टेप पे गाइड किया और आज इस लेवल तक हम पहुंचे और एक मिसाल कायम हुई दलित बहुजन बच्चों के लिए कि डरना नहीं है, अपनी समानता के लिए, अपनी इक्वालिटी के लिए, अपने राइट्स के लिए खुद आपको लड़ना है। यू डोंट हैव टू फियर, और फियर भी किन से, डरपोकों से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। और डॉक्टर रितु सिंह, चाहे आप मिसाल कहें, चाहे आप कुछ कहें, हमेशा आपके साथ खड़ी रहेंगी। कहाँ पे अगर आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, एक बारी मुझे कॉल करें, मैसेज करें, चाहे वो कोई भी पीड़ित शोषित समाज, स्वर्ण समाज का भी शोषित शोषण हुआ होगा, अगर कुछ तकलीफ हुई होगी बहन बेटी के साथ, तो मैं उनके लिए भी खड़ी रहूंगी, लेकिन मेरे समाज की जिम्मेदारी सबसे पहले मेरे कंधों पे है, मैं उनके लिए खड़ी रहूंगी। अब देखती हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मेरा समाज मेरे लिए क्या करता है।